सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रेम में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस में रहा है रही है वाले सेंटेंसों को शो करता है। जब कभी भी आप ऐसा कुछ कहते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, जैसे कि वो है जा रहा है, तुम खेल रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो वो सभी सेंटेंस रहा है रही है वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम रहा है, रही है और रहे हैं वाले सेंटेंसों को बनाते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाती है तो ही शी इट और नेम, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज, आई के साथ एम और यू देवी के साथ आर, यू देवी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट्स की बात करें तो वह है यह है, किसी का नाम, मैं, तुम, वे और हम। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज, प्लूरल में आर और आई के साथ में एम का इस्तेमाल करते हैं। प्लस जो भी काम चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखने के बाद आईएनजी लगाया जाएगा और फिर हम सेंटेंस को एंड करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ में। सो पहला सेंटेंस हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए, सही सब्जेक्ट के साथ में सही हेल्पिंग वर्ब is, am, are। देखो, अगर आप सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सामने वाले को ग्रामेटिकली उसका मीनिंग समझ में आएगा। अदरवाइज भाई, आपकी कॉपी, आपका पेन, आपकी जीभ, आप इज के साथ में आई लगाइए, आई के साथ में आर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वहां पर आप ग्रामेटिकली गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो सही सब्जेक्ट का सही हेल्पिंग लगाने के बाद जो भी काम चल रहा है उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी के साथ रखकर ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। जैसे कि वे दोनों भाग रहे हैं, वे दोनों भाग रहे हैं, वे दोनों को बोलेंगे दे बोथ या बोथ ऑफ देम। उसके बाद इज एम आर में से आर आ जाएगा, दे बोथ आर, भागना होता है रन, और रन में लगा देंगे आई एन जी, बन जाएगा रनिंग। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, सो हमको बोलेंगे वी के साथ रहा रहे में इज एम आर में से आर आ जाएगा, वी आर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट का हो जाएगा वेटिंग, और बाहर को बोलेंगे आउटसाइड। वो है खेल रहा है, तुम समझ रहे हैं, वो है लिख रहा है, बच्चे जा रहे हैं, सरकार काम कर रही है, कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसमें रहा है रही आएगा इज एम आर। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इजी सेंटेंस है। आप सिर्फ इज एम आर लगा दीजिए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी काम हो रहा है उसमें आईएनजी लगाइए। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी में नहीं आने के कारण नॉट लग जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर है के लिए इज एम आर लगा देंगे, जो काम नहीं है नहीं के लिए नॉट, और जो काम नहीं हो रहा है फर्स्ट में आईएनजी तो आएगा ही आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए, जहां जहां रहा आता है वहां वहां आईएनजी आता है, ये एक श्योर है। किसी भी सेंटेंस की बात कीजिए कि मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले, यहां भी आपने आईएनजी लगाया रहा के लिए, हैव के साथ, खेल रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस रहा था, आईएनजी आएगा, भाग रहा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, तो इसका एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तो तुमको बोलेंगे यहां पर हम यू, रहा है मैं, है के लिए यू के साथ आर लगा देंगे, फिर नॉट, उसके बाद काम करने को वर्क या डूइंग वर्क भी कह सकते हैं, यू आर नॉट वर्किंग या यू आर नॉट डूइंग वर्क। एक और लेते हैं, जैसे कि वह है फल बेच रहा है, सेंटेंस नेगेटिव, सो वह है फल नहीं बेच रहा है, सो हो जाएगा ही
इज नॉट सेल का हो जाएगा सेलिंग और फ्रूट्स हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट इज एमआर फर्स्ट फॉर्म यू ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो इज एमआर के बाद में नॉट लगा दीजिए। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाया जाता है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करें। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, और कोई भी सेंटेंस जब क्या से बोला जाता है कि क्या आप खेलते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिए। जैसे यहां पर सब्जेक्ट के साथ इजेमा लगा रहे थे, यहां पर सब्जेक्ट के साथ इजेमा लगा रहे थे, अब यहां इजेमा आ गया जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट टर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या वे पैसे कमा रहे हैं? तो ट्रांसलेशन क्या वे, अब इसे मैं पहले आएगा तो वे को बोलते हैं दे, दे में लगाया जाता है आर, तो आर दे अर्निंग मनी। मैंने पूछा क्या वो है आ रहा है, क्या वो है आ रहा है। मान लीजिए आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं कहीं, चार लोग वेट कर रहे हैं, एक नहीं आया एक नहीं आया, तो आप क्या कहते हैं दूसरे से, अरे क्या वो है आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या वो है आ रहा है आप बाकी दोस्तों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इज ही कमिंग या नहीं और नॉट। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस को रहा है रही है मैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के द्वारा ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन योर सेंटेंस दैट दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सो जितने भी हमारे, देखिए हर एक टेंस की अपनी अहमियत है। अगर आपका पास्ट टेंस वीक है तो आप प्लीज उस पर वर्क कीजिए, अगर आपका प्रेजेंट टेंस वीक है तो आप उस पर वर्क कीजिए, अगर आपको फ्यूचर टेंस में दिक्कत है मुडाल्स में या फिर एक्टिव पैसिव में, जिस चीज जिस भी एक टेंस में या जिस भी ग्रामर के एक पार्ट में दिक्कत है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू।